आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यशयाह की पुस्तक 44वां अध्याय वचन 1 से 11। परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इसराइल, सुन ले। तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा यूं कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशुरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूँ, और अपना कुल नाम इसराइल बताएगा। यहोवा जो इसराइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले ही से प्रकट करे। मत डरो और न भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं। मैं किसी और को नहीं जानता। जो मूरत खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते उनसे कुछ लाभ न होगा। उनके साक्षी न तो आप कुछ देखते और न कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। किसने देवता या निष्फल मूरत ढाली है? देख, उनके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही है, वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हों, वे डर जाएंगे, वे सब के सब लज्जित होंगे।